आइए नमस्ते भारत में उस बड़ी खबर का जिक्र करते हैं जहां कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो आरोपी है उसके अस्पताल में दाखिल होने की दो बार दाखिल होने की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वो शख्स जो कि स्टाफ नहीं था, जिसके पास एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, वो रात के वक्त दो बार उसी आरजीकर अस्पताल में दाखिल हुआ था। रात के वक्त जहां इस रेप की पूरी घटना पर पूरा देश खौला हुआ है, पूरा देश में गुस्सा है, रात में दो बार उस शख्स के एंट्री की खबर मिल रही है। रात 11 बजे और 3:45 पर अस्पताल में एंट्री हुई थी। यही वो शख्स जिसे बताया जा रहा है, जिस पर आरोप लगे हैं, इस घिनौनी करतूत के, वो सेमिनार हॉल, वो हॉल जहां पर पीड़िता मिली, उसकी लाश मिली, वहां पहुंचने की भी खबर बताई जा रही है। रात 12 बजे का वक्त उसने, पीड़िता ने खाना मंगाया था और करीब 4 घंटे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता ने ऑनलाइन ऐप से जो खाना मंगाया था वो खाने की बात सामने आती है। डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ हुई, जिसने पीड़िता के फूड को डिलीवर किया था। लेकिन कई चीजें निकल के सामने आई हैं। जैसे जैसे सीबीआई इन्वॉल्व हो रही है, देखिए किस तरीके से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। वो जो शख्स जिस पर आरोप लगे हैं, वो दो बार एंटर किया था अस्पताल में, वो कोई स्टाफ नहीं है, वो कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का, वो नौकरी पर नहीं है। अब चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट बताए जा रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वरुण, किस तरीके से डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका क्या लिंक है, क्या मायने है, जरा समझाइए। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, कहीं ना कहीं सीबीआई जो है इन डॉट्स को कनेक्ट कर रही है, रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, पूरा सीक्वेंस जो है उसे वेरीफाई कर रही है। जो सीसीटीवी सीबीआई के हाथ लगी है उसमें ये दिख रहा है कि रात करीब 11 बजे के आसपास जो आरोपी है वो अस्पताल आता है, 30 मिनट तक अस्पताल के अंदर ही उसकी मूवमेंट नजर आ रही है, और उस समय उसका अस्पताल में होना जरूरी नहीं था, ना ही उसकी किसी तरह की कोई ड्यूटी थी, या फिर उसका वहां पर होना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत था। तो किस मंशा से था ये तो तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन बाद में ये भी सीसीटीवी में नजर आता है कि फिर आधा घंटा रुकने के बाद जब वो रात को चला जाता है तो रात को करीब 3:45 यानी कि 4:15 के आसपास वो अस्पताल में आता है, और करीब 30-35 मिनट के आसपास वो अस्पताल के अंदर रुकता है, और इसी दौरान वो सेमिनार रूम के अंदर था। सेमिनार रूम के अंदर ही जो पीड़िता है वो रात को सो रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज से ये कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से देर रात को 4:15 के आसपास जो आरोपी था वो अस्पताल आता है और सेमिनार रूम के अंदर भी जाता है, और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आई है कि जो मृतका है उसकी आखिरी बार खाना खाने से करीब 3-4 घंटे बाद मौत हुई है, और डिलीवरी बॉय और उसके दोस्तों से पूछताछ में भी ये बात पता चली है पुलिस को कि रात करीब 12 बजे इन्होंने खाना खाया था। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, कड़ियां हैं, वो कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है कि जो आरोपी संजय रॉय है उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। हालांकि अभी और कई चीजें हैं, क्योंकि जो कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे भी देर रात तक पूछताछ की थी, बाद में जो सस्पिशियस कंडक्ट है कि परिवार वालों को आत्महत्या की बात क्यों बताई रही, ऐसा तो नहीं इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी, और जो आरोपी जो संजय रॉय है उसके साथ कोई और शामिल ना हो, इन चीजों को भी वेरीफाई सीबीआई जरूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अब ये भी जांच किया जाएगा क्या वो अकेला था या साथ में था, ये तमाम चीजें अभी भी सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर के लोगों के भीतर सवाल है और वो सवाल गुस्से के तौर पर पूरे देश में देखा जा रहा है।